शासकीय कन्या महाविद्यालय बड़वानी में छात्राओं ने पीजी की मांग करने पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसी सत्र से पीजी कक्षाओं को शुरू करने की घोषणा। बता दें, गर्ल्स कॉलेज में यूजी के बाद पीजी के लिए अन्य कॉलेजों में जाना पड़ता था। दरअसल बड़वानी जिले में 38 सालों बाद शासकीय कन्या महाविद्यालय में पीजी कक्षाएं प्रारंभ होगी, जिस पर उच्च शिक्षा मंत्री ने इसी सत्र से पीजी की घोषणा की। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री ने 1,10,00,000 की लागत से बनी विज्ञान प्रयोगशाला, 50,00,000 की लागत से बना स्टेडियम का भूमि पूजन किया। मंच से उच्च शिक्षा मंत्री ने पीजी की घोषणा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज में भी अब हिंदी में छात्र पढ़ सकेंगे, जिसकी शुरुआत भारत में सबसे पहले मध्य प्रदेश में की जा रही है। वहीं दूसरे देशों में जहाँ उनकी मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाता है, वैसे ही भारत की मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा देने का कार्य प्रारंभ हो गया है। अगर कई सौगातों की एक तरह से बरसात हो जाए तो वह आनंद अलग आता है। आज तो आपने अपनी सारी लेबोरेटरियां, जो साइंस की बच्चियां हैं, बहनें हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सभी की लेबोरेटरियों का और संसाधन के साथ अच्छा भवन बना। जोरदार तालियां माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के लिए। और स्पोर्ट्स के नए कार्यालय का भूमि पूजन भी हुआ है। मेरी अपनी ओर से बड़वानी के अंदर लगभग आज में 45 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण का काम हुआ है। बड़ा काम है। मानो तो ऐसा लग रहा है हमारे यहाँ शिक्षा की नगरी 5000 साल से उज्जैन मानी गई। भगवान कृष्ण जी स्वयं शिक्षा ग्रहण करने आए। मुझे लगता है बड़वानी उज्जैन की छाया बन गई, इतना मजा यहाँ भी आ रहा है। आज आपका ये विषय लिखा हुआ है कि हिंदी में ज्ञान का प्रकाश, विषय पे संगोष्ठी। हम सब कितने सौभाग्यशाली है, दुर्भाग्य हमारा एक निकल गया। काल के प्रवाह में हमारी राष्ट्रभाषाओं पे, हमारी बोलियों पे जो आनंद आना चाहिए था, 1835 में लॉर्ड मेकाले के आने के बाद, अंग्रेजों के शासन काल के बाद, हमारी भाषा पे, हमारे ज्ञान पे अंग्रेजी का प्रभुत्व आ गया। मैं भाषा का विरोधी नहीं हूँ, भाषाओं का सबका सम्मान होना चाहिए, लेकिन मैं हमारी अपनी माँ तो माँ होगी, पड़ोसी हमारी माँ मौसी जो बोलते हैं उनको, लेकिन माँ का स्थान तो वो नहीं ले सकती ना। ऐसे राष्ट्रभाषा जो हिंदी है, हमारे यहाँ दुर्भाग्य से इस भाषाओं को लेकर के विवाद कर दिए गए, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, जिनकी अपने स्वयं की भाषा तो गुजराती है, लिपि भी उनकी अपनी उससे मिलती जुलती है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर महात्मा गांधी तक, नरेंद्र मोदी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, सबने कहा कि अगर हमारी शिक्षा हिंदी में नहीं होगी, राष्ट्रभाषा में नहीं होगी, तो हमारा अधूरापन रहेगा। और दुनिया के कई सारे देश ऐसे, रूस है, जापान है, अमेरिका है, इतने सारे देश है, उनमें से आप देखो जिनने अपने राष्ट्रभाषा में उन्नति करी, फ्रांस हो, जापान हो, सब ने अपनी भाषा में उन्नति की। तो वहाँ की मेडिकल की शिक्षा हो, इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, व्यावसायिक कोई भी कोर्स हो, वो अपनी स्वभाषा में पढ़ाते। हमारे यहाँ भी शुरुआत हो रही है, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कल से मेडिकल की शिक्षा देश में पहली बार मध्य प्रदेश में लागू होगी। डॉक्टर पुरुषोत्तम गौतम, प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय बड़वानी। आज हमारे महाविद्यालय में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन जी यादव जी पधारे और उन्होंने बच्चों की मांग को सुना। इस महाविद्यालय में 38 सालों में आज तक जो है स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ नहीं हो पाई थी, इससे बच्चों को जो है दूसरी जगह जाकर प्रवेश लेना पड़ता था। माननीय मंत्री जी की घोषणा से इस क्षेत्र के बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा और हमारे यहाँ से लगभग 400-500 बच्चे जो स्नातक परीक्षाएं पास करके जाते हैं, उन्हें आगे पढ़ने का यहीं महाविद्यालय में अवसर मिलेगा और इसी के साथ साथ हमारी महाविद्यालय की छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी। आज का मतलब क्या क्या लोकार्पण करेंगे? आज महाविद्यालय में 1,10,00,000 रुपए से विज्ञान की नई प्रयोगशालाओं का लोकार्पण हुआ। इसी के साथ 50,00,000 रुपए से स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो है भूमि पूजन हुआ और अति शीघ्र जो है हमारे 3,53,00,000 रुपए के अध्ययन कक्ष का जो है लोकार्पण होने जाएगा। बड़वानी से दिलावर खान की रिपोर्ट।